वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग ने सीबीएसई 12th फिजिक्स सेशन 2020-21 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना शुरू किया था, और इसमें शुरू के 10 सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि लास्ट टर्न पे आपने देखा, यानी लास्ट वीडियो में, जो कि सैंपल पेपर वाला जो वीडियो था उसकी बात अगर हम करें, तो 14 क्वेश्चंस वर देयर, इंक्लूडिंग असर्शन रीजन। सो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो चार सवाल हैं वो देख लेते हैं बच्चों। ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं, अवेलेबल है मेरे चैनल पे। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइडलाइंस यहाँ पर है फॉर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। ये जो चार सवाल हैं, इस साल नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड रीजन आर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ए बी सी एंड डी एज गिवन बिलो। अगर ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमें ऑप्शन ए को चूज करना है। ए और आर दोनों सही हैं पर आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमें ऑप्शन बी चूज करना है। ए तो सही है पर आर गलत है, तो हमें ऑप्शन सी चूज करना है। ए गलत है और आर भी गलत है, असर्शन रीजन दोनों गलत है, तो हमें ऑप्शन डी चूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये गाइडलाइन, जो कि नीट में या बोले ज्यादा सही तो एम्स में ये पैटर्न हुआ करता था, लास्ट ईयर केमिस्ट्री में भी था, और इस साल की भी आगे बात करें तो अभी और बात चल रही है बच्चों, 20% और रिडक्शन के चांसेस हैं। सिलेबस में बातचीत चल रही है, सभी ओर से दबाव पड़ रहा है सीबीएसई पर, और एग्जाम की डेट्स भी जो है मार्च, फरवरी मार्च के बजाय मई में जाने के चांसेस हैं। तो जो भी अपडेट होगा, जब फाइनल हो जाएगा कुछ, तो मैं वो आपको इन्फॉर्म करूंगा वीडियोस के थ्रू। और जैसे ही फॉर्म अपलोड होंगे सीबीएसई की साइट पर फॉर इम्प्रूवमेंट या प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, जिनको आपको भरना रहेगा, जैसे कि इन्फॉर्मेशन इसी महीने अपलोड होने थे, अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। हाँ, जो डेट्स थी स्कूल की, 15 अक्टूबर लास्ट डेट, वो एक्सटेंड हो चुकी है अभी, तो किसी को अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो ये लास्ट टाइम है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो वो स्कूल में अपने कॉन्टेक्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट। असर्शन ए, क्वेश्चन नंबर 11। इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैरी कर रहा है, अब वो डायरेक्शन में भी वैरी कर सकता है, मैग्नीट्यूड में भी वैरी कर सकता है, ए डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। तो ये हम पढ़ते हैं इसको, एग्जैक्टली आर्टिकल सिलेबस में नहीं है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का है कि शुरू में लाइंस पास पास हैं और फिर उनके बीच की डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है कुछ इस तरह से, और अगर इसमें पड़ा है डाइपोल, तो उस डाइपोल के ऊपर वाले पोल पर ज्यादा फोर्स लगेगा, नीचे वाले पोल पर कम लगेगा। माना कि ये प्लस क्यू है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नीचे माइनस क्यू है जिस पर अपोजिट टू द फील्ड फोर्स लगेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो इसकी टेंडेंसी होगी घूमते हुए आगे बढ़ने की। इट मीन्स इट विल परफॉर्म साइक्लोइडल मोशन। बच्चों, साइक्लोइड और हेलिक्स में थोड़ा अंतर होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हेलिक्स 3D होता है बच्चों, स्प्रिंग जैसे, और साइक्लोइड जो है वो 2D होता है ना, एक प्लेन में। तो असर्शन तो सही है ना, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, असर्शन इज करेक्ट। रीजन, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एज वेल एज टॉर्क। ये बात भी सही है, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, एफ नेट, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होता था, यहां जीरो नहीं है। और नेट टॉर्क की अगर मैं बात करता हूं, तो बच्चों ये नेट टॉर्क भी यहां पर जीरो नहीं है, जो कि जीरो होता था। सो क्लियरली असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आंसर वन शुड बी द करेक्ट आंसर। तो चेक करते हैं आंसर्स में क्या आंसर उन्होंने दिया है,
क्वेश्चन नंबर 11, ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, क्या ये सही है? तो बात सही है, जवाब है हाँ ये सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है, अगर ये कोई कंडक्टर की सरफेस है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, इस तरह से फील्ड लाइंस जाती हैं हमने देखा है, और डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं तो हम जब इस लाइन के अलोंग जाएंगे तो पी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यू पर पोटेंशियल कम होगा, तो पोटेंशियल जिधर डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो असर्शन इज करेक्ट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक फॉर्मूला है, रिलेशन है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो परफेक्ट रिलेशन है ई और वी के बीच वो होता है माइनस डीवी बाय डीआर, और साथ में हमें एक यूनिट वेक्टर आर कैप मल्टीप्लाई करना होता है इसको वेक्टर बनाने के लिए। तो दिस रिलेशन इज ट्रू, बट इनमें कोई एक्सप्लेनेशन वाला रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी इस असर्शन का ये एक्सप्लेनेशन है इट इज नॉट ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी असर्शन सही है, रीजन अपने आप में वो भी सही है, पर ये करेक्ट रीजन नहीं है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, इसको वापस से देख लेते हैं, यहां पर इन्होंने बी लिखा है जबकि आंसर में दोनों ये सेम किया हुआ है ना, यहां बी लिखकर, सो देयर इज कंफ्यूजन, सो लेट्स चेक बैक, यहां देखते हैं हम वापस से, क्या इसीलिए ऐसा होता है? ठीक है, ये जो सेकेंड पार्ट है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, तो सेकेंड पार्ट इज ओके, इससे ये टैली होता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, इससे ये टैली होता है क्या? तो वो चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो नॉर्मल नहीं हुआ, कुछ एंगल पर हुआ, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल विद इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वन ऑफ द कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रह पाएगी। तो यहां से अगर हम चेक करते हैं तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, डीवी बाय डीआर इज जीरो, तो वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी कोई भी कंपोनेंट उस डायरेक्शन में नहीं होगा, तो इस तरह से देखा जाए तो अब ये समझ में आ रहा है ऑप्शन बी, भले ही वहां लिखा हो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी हम इस रीजन को इस असर्शन से एसोसिएट कर सकते हैं। तो अब आपने देखा होगा पहले मैंने आपको बोला कि नहीं नहीं कर सकते हैं, और अब मैं कह रहा हूं आपको कि कर सकते हैं। सो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में यू हैव टू बी मोर केयरफुल। तो अगर पहले से देखा हुआ क्वेश्चन आपको मिलता है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर बिल्कुल नया क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना ही होगा। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि असर्शन रीजन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि यहाँ पे गलत होने का चांस रहता है थोड़ा सा भी, अगर उसको हमने क्रिटिकली एग्जामिन नहीं किया तो हो सकता है कि ये गलत हो जाए, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बच्चों, ए कॉन्वेक्स मिरर के नॉट फॉर्म रियल इमेजेस, क्या ये सही है? कॉन्वेक्स मिरर, अब आपके दिमाग में सीधे इमेज आनी चाहिए कॉन्वेक्स मिरर की। अच्छा पहले मैं उसमें करेक्शन कर देता हूँ बच्चों, ये सॉल्यूशन में यहां पर हम करेक्शन कर देते हैं, दिस मस्ट बी ए एंड इट इज ओके। ठीक,
सो लेट्स गेट बैक। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जब भी ये वर्ड आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए रियर व्यू मिरर जो आपकी गाड़ी में लगा हुआ है। तो अब आपको पता है वो कौन सी कैसी इमेजेस बनाता है, वो बनाता है इरेक्ट, ठीक है, सीधी इमेज बनाता है, आपको अपनी शक्ल सीधी दिखती है, पीछे से आने वाली गाड़ी भी सीधी दिखती है, लिटरली इनवर्स बनाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है जबकि रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं इन जनरल। तो के नॉट फॉर्म रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज वो फॉर्म नहीं कर सकता, वर्चुअल इमेज बना सकता है। सो असर्शन इज करेक्ट। रीजन, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट। पैरेलल हो नॉन पैरेलल हो सभी को कन्वर्ज करेगा, ये बात तो सही है, ठीक है, पर क्या कन्वर्ज करता है इसलिए रियल इमेज नहीं बना सकता, ये तो गलत हो गई बात। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को अगर कंपेयर करें, हम मिरर की बजाय लेंस ले लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस भी तो यही करता है, कन्वर्ज करता है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्ज करता है। ओके, दिस वर्ड इज रॉन्ग, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना मिरर और लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज नहीं करता। तो रीजन गलत हो गया, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। ओके, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इस सेक्शन का आखिरी सवाल। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर कांट बी यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल सेटिंग। बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट आपने वर्ड सुना होगा, नॉर्मल सेटिंग अलग सा वर्ड यूज कर लिया, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट इसको मानकर चलें, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज नहीं कर सकते नॉर्मल एडजस्टमेंट में, क्यों नहीं कर सकते इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं हम। कॉन्वेक्स लेंस अगर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है डी बाय एफ, ओके डी बाय एफ। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ आप जानते हैं 30 गिवन है, तो इट इज लेस देन वन, व्हाट वी आर गेटिंग लेस देन वन, तो मैग्निफिकेशन होने की बजाय यहां तो क्या हो रहा है, छोटी हो रही है इमेज, मैग्निफाई नहीं हो रही है। तो माइक्रोस्कोप तो काम क्या करता है, वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम इससे मैग्निफाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये नियर पॉइंट एडजस्टमेंट होता तो ये एक्सप्रेशन होता 1 + d/f, तो वहां पर हमें मैग्निफिकेशन मिलता। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन, फॉर नॉर्मल सेटिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज m इक्वल टू d/f। करेक्ट है, सही है, ये फॉर्मूला तो सही है, और इसी से मैंने ये रीजन तक पहुंचा हूं मैं। सो लेट्स सी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस बार ऐसे करके इन्होंने लिखा है। सो व्हाई इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकली इसको एग्जामिन करते हैं हम। 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, फॉर नॉर्मल सेटिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज एम इक्वल टू डी बाय एफ। ओके, सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बनाया गया है इसका। अच्छा, ये इसलिए प्रॉब्लम आती है असर्शन रीजन में कि एग्जामिनर ने दिमाग में क्या सोचकर सवाल बनाया है। तो आप देख रहे हैं रीजन में कोई डेटा नहीं है, ठीक है, अगर यहां पर ये जो डेटा है 30, 30 की जगह अगर ये होता 20, तब हमारा सही जवाब होता, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि 20 सेंटीमीटर नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाता है, यानी कैन बी यूज्ड होता अगर यहां, कांट भी नहीं कैन बी यूज्ड, क्योंकि 20 होते हैं हम इसको यूज कर सकते थे, ठीक है, तब 20 के लिए तो ये मैच हो जाता डी बाय एफ। तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है, रीजन जो है यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ हुई तब तो हम यूज कर सकते हैं, 30 सेंटीमीटर तो नहीं यूज कर सकते, स्पेसिफिक उसके लिए है, जबकि रीजन में 30 सेंटीमीटर वाले की स्पेसिफिक कोई बात नहीं की गई है, इसलिए इन्होंने कह दिया कि रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ये बात हमें समझ में आती है बच्चों यहां तक। इस वीडियो में इतना ही, रिमेनिंग नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी मैं लेता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।